हेलो हिप हॉप लिसनर्स, तो कैसे हो आप लोग। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बंटा रिकॉर्ड्स और कलमकार के बारे में। तो जैसे कि कल कलमकार के शो पे काफी ऐसी चीजें हुई है जो कि एमीवे के लिए थी, तो इसके बाद से बंटा रिकॉर्ड्स के काफी आर्टिस्टों की तरफ से स्टोरीज देखने को मिली है। तो हेलक जो है वो कुछ ऐसी स्टोरीज डालता है, गाने तो लिख नहीं पा रहे, शोज में बकचोदी कर रहे, जी में नहीं गु हगने जा रहे जूहू। इंडियन हिप हॉप बॉम्बे के स्लैंग्स की वजह से ही ब्लो अप हुआ, मानो या ना मानो बॉम्बे से बीफ मत पालो। एमीवे डिवाइन नेजी, All respect to you, the OGs in the scene. Raga was the person representing underground hip hop from Delhi. No one knew about the others until they started sucking bra. We made our own way while you were spoon-feeded by honey. खुद के मेहनत से हम ऊपर आए, जो तुम ना कर पाए तो तेरी क्यों जली। फक बंटाए बोल रहे ले बचकाने, आज वही बंटाए की वजह से तू कमर्शियल कम और अंडरग्राउंड हिप हॉप ज्यादा कर रहा है, नहीं तो आज भी गानों पे नाचता रहता था। हम सब खुद से सीख के आए, तुमने दूसरों का खाना चुरा के खाए। गाने तो तूने भी डाले थे बहुत, पर फिर भी हिप हॉप को हर जगह नहीं फैला तुम पाए। और शो पे तुमको हमारी बुराई करने की जरूरत पड़ती है, हमारे शो पे जब गिरफ्तार बचता है तब पब्लिक का हाइप देख के तेरे साथ तेरी गैंग की भी जलती है। फैन पेजेस को हर एक पोस्ट जो हमारे खिलाफ है उनके पैसे दिए जा रहे, हिप हॉप से पैसा कमा रहे और हमको हेट देने में लगा रहे। दीज पुसीज कैन नेवर बी अ मैन, अभी शुरुआत है, आगे इनके बच्चे भी पैसा कमाने यूज करेंगे इनके बाप का प्लान। बिच स्टॉप मी इफ यू कैन, डॉलर साइन गॉट नो प्राइड, कर रेला खन्ना के एल पे स्लाइड। इसके अलावा मिंटा की तरफ से भी काफी स्टोरीज देखने को मिली है, क्राउड को गाली देना सिखा रहा है, मैच्योरिटी अंकल लोग की अपने देश में। इनके गाने के पब्लिक को लिरिक्स याद नहीं तो फक बंटाए गवारे, एटलीस्ट दो लाइन का अच्छा हुक ही बना लिया होता एंड वो पब्लिक से गवा लेते, एटलीस्ट याद हो जाता तेरा एक लाइन तो गाने का पब्लिक को। बुरा लगा तो पूरा ले, रफ्तार तू रा नहीं तू खन्ने का ब्रा है छोटे, अब ये मेरे इंस्टा अकाउंट हैक या ब्लॉक करेंगे, कर ले बेटा छोटे कम आउट टू प्ले। फक बंटाए बोलने से इनको सक्सेसफुल वाली फीलिंग आ रही है, पहले गाने में पोक करते थे ये लोग, इनको गाने से जवाब मिल गया, अब अगर ऐसा गाने के बाहर बकचोदी करेंगे तो और गाने के बाहर अपन भी जवाब देंगे। सच्ची बोल रहा हूँ, बंटाए की पब्लिक बोले तो बहुत ज्यादा तकलीफ। नो वन फ्रॉम आर साइड हैव एवर टोल्ड एनी ऑडियंस ऑन स्टेज टू डिसरिस्पेक्ट एनी पर्सन, और अगर दम है सामने वाले में म्यूजिक में लड़ने का तो आ जाना म्यूजिक में लड़ने, और अगर म्यूजिक में ही हार मान लिया तो बोल दे म्यूजिक नहीं होगा तुमसे। तो इसके अलावा भी उन्होंने काफी सारी स्टोरीज डाली है, तो आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। इसके अलावा मी मैक्स, यंग गालिब और हेड जोन भी एक स्टोरी डालते हैं, तो आप लोग चाहो तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं डीनो जेम्स के बारे में। तो डेफ जैम इंडिया के इंस्टाग्राम पेज से एक वीडियो देखने को मिला है जो कि कुछ ऐसा। जब आप लोगों से फर्स्ट टाइम मिलते हैं क्या लोग आपको बोलते हैं, मतलब किस चीज से आपकी पहचान बन गई है इतने सालों में? लोगों का मुझे ऐसा लगता है कि लोग जो कहते हैं कि मोस्ट प्राइवेट फीलिंग ऑफ योर्स इज द मोस्ट कॉमन, आपको लगता है जो सिर्फ आपके साथ हो रहा है शायद सबके साथ हो रहा होता है। तो शुरुआत में जब मैं बहुत रॉ था अभी शायद थोड़ा करप्ट हो गया। अच्छा, जो शुरुआती गाने मैंने लिखे थे तो मैं बहुत ही ज्यादा जो मेरे साथ में एग्जैक्टली हो रहा था गाने में आने का पर्पस मेरा ये था कि मुझे बोलना था कि यार कोई फंक्शन में जाता नहीं था क्योंकि ढंग के कपड़े नहीं थे और झूठ बोलता था दोस्तों से समझ काम में फंसा हुआ ना भी। तो मुझे लगता है वो सारी चीजें लोगों ने बहुत रिलेट करी और ऐसा लगा कि नहीं यार हम में से कोई आगे बढ़ गया, कि हमारे आसपास का मोहल्ले का कोई लड़का था जो बहुत अच्छा कर गया। तो शायद वो मिलते हैं, वो हक करते हैं, वो ऐसे बात करते हैं कि वो मुझे बहुत पहले से जानते हैं, है ना? हाँ, तो वो वार्मथ बहुत मुझे इमोशनल कर देती है। आई बीन वेरी थैंकफुल टू गॉड टू चूजिंग मी टू डू व्हाट आई डू एंड थैंक यू टू एवरीवन हु सपोर्टेड मी। तो इसी के साथ मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।